गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी ब्लॉक नंबर 2 ऑफ इंग्लिश। और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 से लेकर के, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5। हम जानेंगे क्या क्या यहाँ पर आपका बेसिक है और किस तरह के क्वेश्चन देखने को आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं, यहाँ पर हमें कुछ लिटरेसी डिवाइसेस को पढ़ना है, जैसे कि रिदम, राइम, एलिट्रेशन, एसोनेंस और ओनोमेटोपिया, ठीक है जी। तो ये कुछ रिदम है, कुछ डिवाइसेस हैं जो हमें पढ़नी है, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका है रिदम। रिदम का मतलब क्या होता है? द रिदम रेफर टू मूवमेंट दैट री अकर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड इंग्लिश व्हाट वी कॉल अ स्ट्रेस टाइम इज रिदम। यानी जब आप एक सेंटेंस को बोलते हैं तो वहाँ पर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हम लोग अपनी बात का स्ट्रेस देते हैं, यानी एक पर्टिकुलर वर्ड को बार बार रिपीट करके बोलते हैं तो उसे हम रिदम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जिस भी बात पर हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं वो आपका क्या हो जाता है? रिदम हो जाता है, ठीक है। हेयर वी हैव 8 सिलेबस एंड इफ ऑफ विच 4 आर स्ट्रेस्ड, दे कम एट अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो वी हैव अ रिदमिक पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबस एंड स्ट्रेस सिलेबस। यानी आपने ये देखा कि कहाँ पर हम लोग स्ट्रेस दे रही हैं और कहाँ पर स्ट्रेस नहीं दे रहे। जो भी आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वहाँ पर हम इसमें क्या देखते हैं? स्ट्रेस देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं? स्ट्रेस देखते हैं, जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, इन एग्जांपल्स को रीड आउट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि रिदम क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा स्टैंजा में रिदम बताइए कि कहाँ पर आपको रिदम दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका आता है राइम। राइम का मतलब होता है सिमिलैरिटी ऑफ द साउंड। आपने 10th और 12th के अंदर इंग्लिश में एक क्वेश्चन किया होगा स्टैंजा का, जिसमें हम लोग ये देखते थे कि राइम देखेंगे, साउंड देखेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ साउंड देखेंगे। तो फाइनली वो आपका यहाँ पर है, दो पर्टिकुलर लाइन दी गई होती हैं और उसके जो लास्ट वाले शब्द हैं वो सेम होते हैं, यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम होता है और एक जैसा साउंड उन पर दिखाई देता है, तो वो आपका राइम होता है। जैसे कि वेयर एंड टीयर, टॉक एंड वॉक, ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं? राइम हो जाते हैं, क्लियर रखिएगा। अगली चीज़ नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड या साउंड एट द बिगनिंग ऑफ मोर वर्ड। जब आप किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार रिपीट होता देखते हैं तो वो एलिट्रेशन होती है। यानी आप सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो सेम साउंड के हैं, तो वो एलिट्रेशन होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसको एक बार रीड आउट करते हैं। द फेयर ब्लू ब्रिज ब्लू द वाइट फॉर्म फ्लू, तो यहाँ पर ब्लू और फ्लू एलिट्रेशन का काम कर रही हैं, राइट। समझ आया? इस चीज़ को हम एलिट्रेशन बोलते हैं, जब एक ही साउंड आपका बार बार रिपीट होता है स्टैंजा के अंदर। तो यहाँ पर एक स्टैंजा गिवन है, इसमें से आप इसको एलिट्रेशन पैसेज जो है वो ढूंढेंगे, ठीक है। या यही क्वेश्चन आपके आते हैं, एलिट्रेशन इसमें से बताओ, यहाँ पर एसोनेंस बताओ, तो इसी को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके। अगला है एसोनेंस, दैट इज द सिमिलैरिटी ऑफ वे ऑफ वर्ड ऑफ साउंड। वावल साउंड यहाँ पर आपको सिमिलर दिखाई देते हैं, जब भी साउंड ऑफ वावल सिमिलर हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसोनेंस बोलेंगे, ओके। और लास्ट वन है आपका ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या करता है? नेचुरल वर्ड साउंड को क्रिएट करने का काम करता है। यानी कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो नेचुरली बर्ड या एनिमल के हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जैसे कि कुकू। कुकू जो है वो एक बर्ड का साउंड है, तो ये ओनोमेटोपिया है, ओके। तो ऐसे हमें पैसेजेस के अंदर इस चीज़ को ढूंढना होता है कि इसमें कौन सा सर्टन साउंड जो है वो किसी नेचुरल चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। जैसे न्यूज़पेपर के लिए इसने स्विस साउंड के बारे में बोला, तो ये ओनोमेटोपिया है, ठीक है। आई बात समझ में?
तो ऐसे करके आपको फिगर ऑफ स्पीच ढूंढने हैं, और यहाँ पर आपको ये पैसेजेस भी दे रखे हैं, इनको आप रीड आउट करेंगे तो ये वाला यूनिट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट आ जाता है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है जी, फिगर ऑफ स्पीच हमारे यहाँ पर कौन कौन से हैं? सिमिली है, मेटाफर है, साइनोडिक है, मेटोनोमी है और पर्सोनिफिकेशन है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिमिली। सिमिली एक आपका फिगर ऑफ स्पीच, पहले तो जान लीजिए क्या होता है। ये हमारा बेसिकली अलंकार है। हिंदी में जैसे अलंकार हम पढ़ते थे, वैसे इंग्लिश के अंदर फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर सिमिली जो है वो फिगर ऑफ स्पीच हमारा है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि पर्टिकुलरली सिमिली जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, और कंपैरिजन करते समय सेंटेंस में लाइक एंड एज, इन दो शब्दों का प्रयोग हम जरूर करते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, तो यहाँ पर लाइक शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर सिमिली जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है। कंपैरिजन के लिए कई सारे फिगर ऑफ स्पीच आएंगे, तो आपको पहचान रखनी है सिमिली में क्या होता है। लाइक और एज करके दो सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, समझ आ गया। अगला है नेक्स्ट आपका, देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको अपने आप से एग्जांपल बनाने पड़ते हैं। आगे है मेटाफर। मेटाफर भी आपका कंपैरिजन के लिए यूज होता है, बट देयर विल बी अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जबकि सिमिली के अंदर डायरेक्टली हम कंपैरिजन देख रहे होते हैं। मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, यानी एज और लाइक, इन दो शब्दों का यहाँ पर कोई भी प्रयोग नहीं होता और आप सीधा ही कंपेयर करते हैं, तो इसीलिए इसमें मेटाफर होती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, मेटाफर। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एक्शन के अंदर हम जब डायरेक्ट कंपैरिजन ना करके इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो वो मेटाफर होता है। और इसी तरह से एक्सटेंडेड मेटाफर है, जिसमें किसी बात को किसी भी लैंग्वेज को अप्रिशिएट करके बताया जाएगा, तो वो एक्सटेंडेड मेटाफर है। ठीक है, पूरी की पूरी पोयम में ही राइटर मेटाफर का यूज़ कर रहा है, यानी बार बार कंपैरिजन यूज़ करता है। ठीक, अगला है मिक्स मेटाफर। मिक्स मेटाफर में क्या होता है, दो मेटाफर एक ही सेंटेंस में यूज़ होना। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस है और उसमें दो बार कंपैरिजन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स मेटाफर बोलते हैं। इनको एग्जांपल वाइज ही आपको पढ़ना होगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप ऐसे ही करेंगे। अगला है सिनेडोक। सिनेडोक क्या होती है, विच आ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रेफर टू द होल एंड होल टू ए पार्ट, यानी जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड पूरे के पूरे सेंटेंस का सिनेरियो बता देता है, उसे हम सिनेडोक बोलते हैं। जैसे हैज अ माइक गोट विल, तो यहाँ पर व्हील की बात हो रही है, तो वो व्हील किसी के भी हो सकते हैं, कार के भी हो सकते हैं, बाइक के भी हो सकते हैं, मोटरसाइकिल के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिंडोक में क्या होता है, पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रेफर टू द होल, दैट इज सिंडोक। ठीक है, क्लियर है। अगला हमारा है मेटानोमी, जिसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को सब्सिट्यूट किया जाता है। पर्टिकुलरली यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है और सब्सिट्यूट करके उसकी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस हो रही होती है। जैसे यहाँ लिखा, आई इन्जॉय द रीडिंग शेक्सपियर। इन्जॉय क्या कर रहे हैं, रीडिंग ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर की क्या पढ़ रहे होंगे, बुक या नोवेल पढ़ रहे होंगे, उसी को रीड आउट कर रहे हैं, शेक्सपियर को थोड़ी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर मेन बात किसकी हो रही है, नोवेल की, लेकिन नाम किसका लिया गया, शेक्सपियर का। तो ऐसे मेटानोमी होती है, जहाँ मेन एट्रीब्यूट को छुपा कर रखने की कोशिश जो है वो की जाती है। अगला है पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी की चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, और वो आपका नेचुरल चीज़ों के साथ कंपेयर होता है। नेचुरल थिंग के साथ हम जब ह्यूमन एक्टिविटी कंपेयर करेंगे, उसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे हिंदी में मानवीकरण आप पढ़ते थे, वही आपका इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन है। ओके, जैसे मूर्ख ओल्ड फूल अनरली सन है, तो ये सन जो है वो किसकी क्वालिटी है, ह्यूमन बींग की है, कि ह्यूमन बींग मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन सन मूर्ख नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर ये पैसेजेस भी दे रखे हैं, जिसमें आप रीड आउट कर लेंगे ये सारी चीज़ें। ओके, अगला है आपका आयरनी। आयरनी आपका क्या होता है, इन विच आर अपोजिट टू अ वन मीनिंग, यानी यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस है लेकिन उसका मीनिंग उसका अपोजिट निकल रहा है।
सेंटेंस कुछ और है लेकिन उसका मीनिंग अपोजिट निकलता है तो इसे हम आयरनी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? आयरनी। आगे है आयरनी ऑफ सिचुएशन, यानी कि मीनिंग ऑफ सर्कमस्टेंसेस। भाई एक सेंटेंस के अंदर आपको मीनिंग तो कुछ और दिया है लेकिन उसका आउटकम कुछ और निकल कर आ रहा है, रिजल्ट उसका कॉन्ट्राडिक्टरी बन रहा है, तो वो आयरनी ऑफ सिचुएशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी है हेनरी डेला की, इसको आप रीड आउट करेंगे तो पता लगेगा कि उसकी ओवरऑल स्टोरी कैसी है और उसका रिजल्ट या आउटपुट जो है वो उसका बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी निकला है। गिफ्ट ऑफ मैगी, यहाँ पर ये स्टोरी भी दे रखी है आपको, तो ये स्टोरी सिर्फ रीड आउट करने के लिए है, आपको जो पैसेजेस आते हैं वो इन्हीं में से आएंगे। ओके, फिर आयरोनिक कंट्रास्ट है, यानी कि कंपैरिजन, जिसमें इमेजिनरी और एक्चुअल सिचुएशन के साथ कंपैरिजन जो है वो किया जाता है, दैट इज़ द आयरोनिक कंट्रास्ट। इमेजिनरी और एक्चुअल सिचुएशन को कंपेयर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और आयरनी इन स्टेयर के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ डायरेक्टली वेपन फॉर द इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी कंपनी के खिलाफ बोलना जब होता है तो आयरनी इन स्टेयर का यूज़ करते हैं। किसी भी ह्यूमरस चीज़ों के अंदर हम किसी की तुलना क्या करते हैं, विरोधाभास प्रकट करते हैं, तो वो आयरनी इन स्टेयर होती है। ठीक है, तो ये मेन है जिनको आपने इन्हीं में से करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखे होंगे सारे के सारे। आगे है एलेगोरी। एलेगोरी क्या होती है? फॉर्म ऑफ राइटिंग यूजुअली अ स्टोरी और डिस्क्रिप्शन, कि एक स्टोरी और डिस्क्रिप्शन को आप कैसे लिखेंगे वो आपका एलेगोरी है। ठीक है, चलिए, तो दैट्स इट, ये आपका है। इमेजिनरी में क्या होता है? एक सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें लैंग्वेज को आप इमेज और विजुअल इमेजेस के जरिए रीडर को बताने की कोशिश करते हैं, वो इमेजिनरी हो जाता है, इमेजरी हो जाता है। इमेज में बना करके रीडर के सामने कोई बात को रखना वो आपका इमेजरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको करना क्या है, बेसिकली टर्मिनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो मैंने मीनिंग आपसे डिस्कस करे हैं वो आपको मीनिंग पढ़नी है, तो शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ सकता है और साथ में जो पैराग्राफिकल पैसेजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो इतना आपको कर लेना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।